नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक बहुत ही जो क्रिटिकल स्टेज है, जितने भी बातज रोगी हैं वो है डिस्क प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। ये जितना भी डिस्क प्रॉब्लम है, L4 है, L5 है और S1, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि S1 क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैक्रम का जो फर्स्ट वर्टीब्राज है उसको S1 का नाम दिया गया है, L4, L5 और S1। बहुत सारे जो लोग हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो इसके वर्टीब्राज में प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, L1, L2, L3, L4, L5, यानी कि लंबर के जो पांच मणके हैं, फाइव वर्टीब्राज हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार जो जिसमें रीढ़ की हड्डी का वर्टीब्राज का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, या फिर जो गैप है कई बार घट जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां खाने के बावजूद उनको फ़ायदा नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि जो उनकी नसों में बात रच जाता है, उसकी वजह से वो उनकी जो कमर है वो जकड़ जाती है। और L4 और L5 का वर्टीब्राज जो है वो सबसे ही मेजर वर्टीब्राज हैं, क्योंकि L4 की वजह से साइटिका प्लस यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई बार ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आदमी को पेशाब वगैरह करने का भी पता नहीं चलता कि मुझसे पेशाब कब हो गया। L5 की वजह से जो आदमी को प्रॉब्लम आती है, जितनी भी टांगे हैं, पैरों के पंजे हैं या जांघें हैं, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। S1 का है जो हमारे हिप्स हैं, उनमें ज़्यादा S1 की वजह से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, कई बार ये चोट लगने के कारण हो जाता है, या कई बार ओवरवेट की होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर जैसे हम बहुत ही जो बात है यानी कि बाय वाली चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब कभी कोई आदमी सुबह सुबह या कोई औरत सुबह सुबह पानी की बाल्टी उठाते हैं, या उठकर जैसे सुबह उठते हैं और चलते हैं, या बैठे हैं तो जैसे ही उठेंगे तो उनकी कमर जो है वो एकदम लोच खा जाएगी और नतीजा वो डिस्क प्रॉब्लम शुरू। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी अपनी पर्सनल खोज है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। दोस्तों, इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल खोज है। और मैं एक चीज़ मेजर चीज़ बताने वाला हूँ कि पटना से मुझे 5 दिन पहले फ़ोन आया कि उस रोगी को डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा और जल्दी करवाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे इस नुस्खे का प्रयोग किया तो 15 दिनों में उस रोगी को 70% फ़ायदा हो गया, 70% 15 दिनों में, महज विदाउट मेडिसिन। तो दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरा डेमो, जो सबसे एक मेजर वीडियो है, मतलब डिस्क प्रॉब्लम वालों के लिए, दोस्तों इसको बड़े ध्यानपूर्वक आपने देखना भी है और उस मेरी हर बात को ध्यानपूर्वक शेयर भी करना है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़्यादा नहीं तो 90% ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन रोगियों को डिस्क L4 L5 वालों को या दबी नस वालों के लिए जिन डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोस्तों विदाउट ऑपरेशन वो लोग ठीक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उदाहरण जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो लीजिए दोस्तों, पहले तो मैं लहसुन का तेल जो है मैंने पूरा लिख दिया इसके ऊपर, 250 ग्राम सरसों का तेल है और इसमें आप 50 से 100 ग्राम तक अपना लहसुन डाल सकते हैं, और बनाने की विधि मैंने पूरी लिख दी है इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं इसको आप। और जब भी इसको आपने तेल बनाना है तो हल्की आंच के ऊपर ही इसको पकाना है, कोशिश ये करनी है, और बाद में इसको बारीक कपड़े से छान लेना है ताकि आपका जो लहसुन में जो तेल है वो रच जाए। जितने भी रोगी बातज रोगी हैं, मतलब जितने भी घुटने से पीड़ित, कमर दर्द से पीड़ित, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या जिस प्रकार का 84 प्रकार का बात होता है शरीर में, तो ये 84 प्रकार के बात को ख़त्म करने वाली ये नुस्खे हैं, छोटे छोटे और घरेलू नुस्खे हैं। जैसे
आधा ग्राम आधा चम्मच आपने लहसुन का वो सरस ले लिया, आधा चम्मच आप सरसों का तेल ले सकते हैं और दोनों को मिलाकर आपने उसको पी लेना है। दोस्तों ये वातज रोग के लिए सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन है और आपके घरेलू है। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। दूसरा इसी का प्रयोग है, जैसे आपने आधा चम्मच या एक चम्मच लहसुन का रस ले लिया और एक चम्मच आपने घी का लेकर के उसको आप पी सकते हैं, और मतलब दोनों में से एक को आप कर सकते हैं आराम से। और दोस्तों अगली बात आती है कि कई बार कमजोरी की वजह से भी आदमी को कमर में दर्द रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, कई बार नसें कमज़ोर होती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, एक शिलाजीत कैप्सूल प्लेन वाला रोज खाना है और एक बलारिस्ट। ये सभी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, एक बलारिस्ट और मैंने नीचे लिखा है एक बलारिस्ट और एक ये जो प्लेन शिलाजीत का कैप्सूल है वो आपको ये डेली लेना है। शिलाजीत पीने जो एक कैप्सूल डेली और बलारिस्ट जो है उसके दो दो ढक्कन आपने पानी में मिलाकर पीने हैं। तो दोस्तों अब आगे एक और जो नुस्खा है उसको भी नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी आप बना सकते हो। ये ना मैं पहले भी ये नुस्खा दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं चीज़ बीच में डाल रहा हूँ। तो अब जो सबसे मेजर पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि मान लिया किसी की जो वर्टीब्राज हैं उसमें गैप पड़ गया, तो गैप के लिए मतलब बहुत कम चीज़ें हैं अगर उसमें वर्टीब्राज में गैप है और डिस्टेंस कम है तो उसके लिए क्या करें। जैसे अगर किसी वर्टीब्राज में क्या होता है कि डिस्टेंस कम पड़ गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे ये टांग है, ये दोनों टांगें हैं या जिस तरफ वो कोई नस या वो खींची है तो उस तरफ वो बेट लगाते हैं, यानी कि पैरों को बांध कर बेट लगाते हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ दोस्तों कि अगर मान लिया कि किसी भी आदमी की जो वर्टीब्राज हैं उसमें डिस्टेंस है तो क्या करें। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि मान लिया कि वर्टीब्राज में डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम कैसे किया जाए। दोस्तों जिस व्यक्ति को देखिए चारपाई है बीच में, हमने ऐसा आप कर सकते हैं घर में आसानी से, और ये है जब आप इसको इस तरफ करेंगे और ऐसे ऐसे शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है तो वर्टीब्राज का जो मतलब गैप ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल वेट जो है बॉडी का यानी कि टांगा का ऊपर जाएगा। लेकिन मान लिया किसी आदमी की नसों में गैप जो है बहुत ज़्यादा है तो इस तरफ, ये क्योंकि ये नीचे इसका टोटल जो वेट है वो टांगों का नीचे की तरफ चला जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो चिपका रहेगा, तो इसमें जो गैप है डिस्टेंस है वो ठीक आ जाएगा। अब सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं इसकी, बेटा ज़रा करवट बदल के देखिए, बहुत आसान है। जितना मर्जी जितना बड़ा मरीज हो, कोई रोगी हो, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेटने का काम है, बाकी जो परिवार का सदस्य होगा वो कर ले, उसका थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जैसे ये बच्चा लेटा है आपके सामने, ये शरीर पूरा ढीला छोड़ना है, जैसे ये और ये, लेकिन इसमें शर्त यह है गिनती रखनी है पूरी। मान लिया किसी को डिस्टेंस जो है वर्टीब्राज में अगर ज़्यादा है, वर्टीब्राज में गैप ज़्यादा है तो इस तरफ एक और इस तरफ दो के अनुपात में ये आपने झुलाना है इसको। जैसे ये मैंने दो बार कर दिया, एक दो और फिर ये, फिर इस तरफ दो, फिर इस तरफ एक। मान लिया किसी पेशेंट को बता दिया गया है कि आपके जो वर्टीब्राज में गैप जो है बहुत ज़्यादा पड़ गया है, जिनका गैप ज़्यादा पड़ गया। अब जिनका गैप जो है बहुत ज़्यादा कम है वो क्या करें कि दो इस तरफ ऐसे और एक इस तरफ, यानी कि दो अनुपात एक, ठीक है। अब इसको सीधा लटा देंगे, बिल्कुल सीधा। अब ये इसको आप जैसे जैसे आपकी जो वर्टीब्राज में प्रॉब्लम बताई गई है आप उस ढंग से उसको कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही आसान है,
हालांकि इसमें थोड़ी हाइट हमने कम रखी है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो ये। और जितना मैं इसको स्पीड से कर रहा हूँ उतना ही आपने करना है ये। अब दूसरी तरफ हो जाओ, और इसमें शर्त ये है कि ये जो बॉडी का मूवमेंट है वो शरीर एकदम आपका वर्टीब्राज के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक खिंचाव है ये। आपको बॉडी का वेट बनाने के लिए कोई झटका नहीं दिया जा रहा है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कोई झटका मारते हैं हमेशा के लिए कंडम हो जाते हैं, वैसा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वर्टीब्राज का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, और इसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बराबर ये पर एक, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है गिनती का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर 10 बार इधर कर दिया है तो 10 बार इधर करना है। हाँ, अगर आपके वर्टीब्राज में डिस्टेंस ज़्यादा है तो जैसा मैंने बताया कि यानी कि इस तरफ 2 और इस तरफ 1, अगर वर्टीब्राज में गैप कम है तो या ज़्यादा है तो इस तरफ 2 इस तरफ 1, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें कौन से वर्टीब्राज में इसको करने से राहत मिले। जिस पोजीशन में आपको ज़्यादा राहत मिलती है समझ लीजिए वो आपका एक वीक पॉइंट है। इसमें जैसे कई बार वर्टीब्राज यूँ हैं तो कई बार यूँ होते हैं, कई बार डिस्टेंस जो ज़्यादा हो जाता है। ये आसन या जो क्रिया है इसको मैं एक झूला आसन भी बोल सकता हूँ, और ये मेरा खुद डिटेक्ट किया हुआ है, खुद मैंने खोज की है इसकी, और बहुत सारे लोगों को इसको इससे फ़ायदा हुआ है। लहसुन का तेल मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि लहसुन का तेल जो है वो वर्टीब्राज में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और बात को ख़त्म करता है। तो ये मत समझिए कि लहसुन का तेल लगाने से आपका जो वर्टीब्राज है या नसें हैं वो स्वस्थ हो जाएंगी। उनका दर्द जो है, दर्द मिटाने के लिए मैं लहसुन का तेल नहीं बताता हूँ, वो सिर्फ उनका बात ख़त्म करने के लिए और जो आपकी स्पाइन कॉर्ड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों अब ये जो, हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति की नाभि खिसकी हो, बहुत सारे फोन आते हैं कि नाभि खिसकी है, तो ये नाभि के लिए भी बढ़िया चीज़ है और सर्वाइकल स्पॉन्डेलाइटिस के लिए भी। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डेलाइटिस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और नाभि के लिए भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा विद डेमो। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो अब आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को पूरा देखेंगे और अच्छी तरह इसको करेंगे। अंत में मेरा सभी माताओं बहनों से व भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि इसमें सबका भला है, आपका भला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि अब हमारे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादातर लगातार लाइव सेशन ही हम करेंगे। 2-3 जो वीडियो हैं उनको हम सिर्फ ये डेमो वाले वो लाइव सेशन नहीं होंगे, बाकी हमारे टोटली लाइव सेशन में ही चलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।